संगत सिंह गिलजिया जेडे बाजार के शामिल किया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, तो उन्होंने घर से भी छापे की खबर है। सो दो सबका मंत्रियों के टिकाणे से रेड की गई है। गल अमलोह की करिए अमलोह के जी कि रिहायश दिखा रहे हैं, यह रिहायश सबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की है, जिससे कि सवेरे सवेरे ही ईडी टीमों के वालों दस्तक दी गई है। उत्थे संगत सिंह गिलजिया के घर से भी रेड की खबर है। फर्जीवाड़े ते ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वड्डी रकम लैण दे सीधे तौर पर इल्जाम ने, ते इस केस दे विच ईडी दे वल्लों इह वड्डी कार्रवाई की जा रही है। सो पंजाब दे विच ईडी दा इह वड्डा एक्शन नजर आया। पंजाब दे मंत्री दे घर ईडी वल्लों रेड की गई है, और ये थोड़ा तस्वीरां दिखाने असी इस वक्त साधु सिंह धर्मसोत के घर के बाहर खड़े हैं, जेडे कि पंजाब के सबका जंगलात मंत्री रहे हैं, तो पहला भी विजिलेंस विभाग की उन्होंने रेड की गई सी, ते उस तो बाद जेल भी जाके आए हैं, तो जांच लगातार जारी है। बहु करोड़ी घोटाला यह दसया जा रहा है, जिदे करके हुण ईडी की इनवॉल्वमेंट भी विच हुई है, तो ईडी दी गड्डियां थोड़े सामने ईडी दी गड्डियां जी जिस दे विच आईयां, तर सारा अज रेड की गई है, लगातार रेड जारी है। हजे तक ये कुछ नहीं पता लग पाया भी साधु सिंह धर्मसोत अंदर है या नहीं है, जांच अंदर लगातार जारी है। तो उस तो बाद भी दसया जा रहा है कि साधु सिंह धर्मसोत के जिहड़े करीबी रहे ने उन्होंने घर से भी ईडी वालों रेड की गई है। बहु करोड़ी घोटाला है, इस करके ईडी की इनवॉल्वमेंट इस हुई है। जंगलात मंत्री रह चुके हैं साधु सिंह धर्मसोत, जिस तो बाद उन्होंने दोष लगे से जंगलात महकमे के घोटाले के, तो उस तो बाद जेल भी जाके आए हैं। तो हूँ तुम देख सकते हो ईडी की जी रेड की गई है, ये साधु सिंह धर्मसोत का अमलोह विखे जोड़ा घर है, ये उसदियां तस्वीरां ने, गेट बंद है, तो हजे तक कुछ ये नहीं पता लग पाया कि किन्ने अधिकारी आए हैं, तो किन्नी देर की यह जांच चली है, ये दस्या जा रहा है। जस्ट तड़क सारे रेड हुई है, तो लगातार उस तो बाद जांच पड़ताल की जा रही है। साधु सिंह धर्मसोत जिहड़े है मंत्री रह चुके ने पंजाब के जंगलात के विभाग के मंत्री रह चुके ने, और जेल भी जाके आए हैं, तो लगातार जिहड़ा है शिकंजा उन्होंने कसदा नज़र आ रहा है, पहला विजिलेंस वालों तो हूँ ईडी वालों। इस खबर से होर ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी शंकर नाल जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी अगर पंजाब की बात की जाए, तो दो सबका मंत्री जो नाम बताए जा रहे हैं साधु सिंह धर्मसोत संगत सिंह गिलजिया उनके घर पर जो रेड हुई है, अब तक की क्या कुछ जानकारी सामने आई है, पूरा केस पूरा मामला क्या बताया जा रहा है? देखिए, जो मामला है ये मामला पिछले कुछ समय पहले का है, जब इस केस को ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया था, और इस मामले को हालांकि इस मामले में शुरुआती तौर पे जो पंजाब की जो विजिलेंस ब्यूरो है उसके द्वारा इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई थी, और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला था कि कांग्रेस सरकार में जो दो पूर्व मंत्री रहे थे साधु सिंह धर्मसोत और संगत सिंह, उनकी भूमिका जो है निकल के आई थी, और किस तरह से एक फॉरेस्ट लैंड में जो कई जो फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, जो जिस तरह से जो वन की लकड़ियां हैं किस तरह से बेची जा रही थी, और उसके जमीन से जुड़े हुए कुछ मामले जो है वो निकल के सामने आए थे, और इस मामले में ये भी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में बातें निकल के आई थी कि जो दलजीत सिंह है जिसका वास्ता जो है संगत सिंह और धर्मजोत सिंह के साथ में है, तो दलजीत सिंह की भूमिका वो निकल के आई थी। पंजाब के प्रमुख एक जो है कंजर्वेट प्रवीण कुमार नाम का उनका नाम भी सामने आया था, डीएफओ अमनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था, विशाल चौहान इनकी भूमिका निकल के सामने आई थी। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और तकरीबन 14 से 15 लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो पंजाब में सर्च ऑपरेशन के साथ साथ इस मामले में राजधानी दिल्ली में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक नितिन बंसल नाम का एक आरोपी है, वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। नितिन बंसल की अगर बात करें तो वह बिचौलिए की भूमिका में था, यानी कि मीडिएटर की भूमिका में रहा था, तो उसकी भी जो भूमिका है उसको देखते हुए आज जांच एजेंसी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और जिस वजह से फॉरेस्ट स्कैम से जुड़ा हुआ ये मामला है, हालांकि करोड़ रुपये का जो फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में कई लोगों की भूमिका निकल के सामने आई थी, और किस तरह से इस मामले में मंत्री से लेकर अधिकारी तक किस तरह से मोटी रकम वसूलते थे, और इस करोड़ रुपए का जो पर्दाफाश
करने का जो मामला आया था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा पिछले काफी समय से इन मामलों में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था और पंजाब में खासतौर पर जलंधर जोन के द्वारा इस केस को रजिस्टर किया गया था और उसके बाद जलंधर जोन के द्वारा ही ईडी के जो जलंधर जोन है उसके द्वारा आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और खास तौर पर जो वन विभाग से जुड़े हुए पोस्टिंग खैर जो एक वृक्ष होता है खैर बेचने को लेकर जिस तरह से एक जो घोटाला जो है वो निकल के सामने आया था और एक तरह से कर्ज कह सकते हैं जो माइनिंग स्कैम है माइनिंग स्कैम से भी ये कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शुरुआती तौर पर इन तमाम लोगों का नाम सामने आ रहा है लेकिन इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है और कांग्रेस की जब सरकार की पंजाब में उस वक्त से जुड़े हुए कई जो लोग हैं जो आज भी कई अलग अलग जगहों पर बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो शुरुआती तौर पर दो मंत्री का नाम जरूर सामने आया है लेकिन इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कई लोगों से इस मामले में पूछताछ होना बाकी है। जी शंकर, अगर पंजाब की बात कीजिए, दो साबका मंत्री के घरों पर ये रेड की गई है जहां और भी कोई जानकारी है, कुछ करीबी भी बताए जा रहे हैं मंत्रियों के? निश्चित तौर से देखिए यहाँ पे कई लोगों के यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और हमारे सूत्र ने इस मामले में स्पष्ट तौर पर बताया है कि जो दो पूर्व मंत्री है साधु सिंह धर्मसोत और संगत सिंह, इन दोनों के आवास पर और उससे जुड़े हुए कई अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में जो नितिन बंसल का जो रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। नितिन बंसल से जब इस मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी तो वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है जिस पूरे फर्जीवाड़े में, जिस पूरे घोटाले में एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है जो बिचौलिया का किरदार निभा रहा था और वो राजधानी दिल्ली का रहने वाला है। तो दिल्ली में उससे जुड़े हुए लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और उससे जुड़े हुए कहा जा सकता है कई ऐसे जो लोग हैं, कई नेता हैं, खासतौर पर ऐसे नेता हैं जो जिनका नाम अभी तक इस मामले में सामने नहीं आ रहा था लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान में सर्च ऑपरेशन जब इस मामले की तफ्तीश की गई तब उसके बाद कुछ बड़े नाम का भी खुलासा हुआ है, उसी को बात ध्यान में रखते हुए आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से पहले का इन्वेस्टिगेशन था, जिस तरह से इस मामले में डीएफओ गुर अमनप्रीत सिंह और विशाल चौहान, इसके साथ साथ पंजाब के प्रमुख कंजर्वेटिव प्रवीण कुमार का नाम सामने आया था। जी हाँ ठीक है शंकर, फिलहाल ये पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो पंजाब दे विच ईडी दा दरअसल वड्डा एक्शन नजर आया, दो साबका मंत्रियों के ठिकाने ते रेड की, जिन्हां दे विच साधु सिंह धर्मसोत दा नाम है ते उस तों इलावा संगत सिंह गिलजियां दे घर ते भी ईडी दीआं टीमां दे वल्लों रेड की गई है। तो पंजाब दे विच ईडी दा ये वड्डा एक्शन, वड्डी कार्रवाई जिहड़ी कि नजर आई है, एक दर्जन तों ज़्यादा थावां ते छापेमारी की गई है, दो साबका मंत्रियों के ठिकाने ते रेड की गई है। अमलोह दे विच साधु सिंह धर्मसोत के घर से जी रेड की गई है, तुम्हें अमलोह स्थित जी रिहायश है साधु सिंह धर्मसोत की उसदियां भी असी तस्वीरें विखा रहे हैं जिते कि सवेरे सवेरे दरअसल ईडी दी टीमों के वालों दस्तक दी गई है। संगत सिंह गिलजियां के घर से भी छापे की खबर है, कथित जंगलात घोटाले के दरअसल पूरा मामला जुड़िया है, फर्जीवाड़े और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वड्डी रकम लैण के भी सीधे तौर पर इल्जाम लगे ने। सीधा रुख करते हैं अमलोह का, अमलोह जिते कि साधु सिंह धर्मसोत की रिहायश है जिते कि पूरी रेड की गई ईडी दी टीमों के वालों, साडे सहयोगी जिथों के गुरदीप सिंह लाइव जुड़ चुके ने। गुरदीप हुण तक दी की कोई जानकारी है कि अजे भी ईडी दीआं टीमां दे वल्लों इह रेड जारी है, कि हुण तक साफ होया किस केस दे विच पूरा एक्शन होया है, कि धर्मसोत दे करीबियां ते भी इह रेड कीती गई है? जी बिल्कुल, जिहड़ी रेड की गई है तड़कसार रेड की गई और ईडी वल्लों हजे तक यही जानकारी मिल रही है सूत्रां दे हवाले तों कि इह जंगलात महकमे दे विच जिहड़े घोटाले होए ने उही बहु करोड़ी घोटाला है उस नूं लै के ही इह रेड की गई है। दूजी गल जेकर करिए भी इस साधु सिंह धर्मसोत तो इलावा जिहड़े उन्होंने साथी रहे ने और यह भी दस्या जा रहा है, जिहड़े कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने भी रेड की गई है, वख वख थावां ते रेड चल रही है, खन्ना हुई है, अमलोह हुई है। जे आस पास की गल की जाए दो थावां का पता लग्या, हजे हो सकता भी नाभा भी पहुंची हो ईडी की, पर यह जी है मेरे पिछे तुसीं देख सकते हो यह साधु सिंह धर्मसोत का रिहायशी मकान है जिथे कि वह रहिंदे ने अमलोह दे विच जिथे रेड की गई है। ईडी की टीमां जिहड़ियां तड़कसार ईडी की टीमें इतने पहुंची सी तो उस दे वल्लों रेड की गई है और गड्डियां दे विच आए सी तो उस तो बाद लगातार रेड की जा रही है। हजे तक ये खुल के सामने नहीं कोई भी आया, ना ही कोई दसन तैयार है भी ये रेड का कारण की है,
यही सूत्रों के हवाले तो ये जानकारी मिली है कि बहु करोड़ी जिहड़ा जंगलात महकमे घोटाला होया उसनू लैके ही यह रेड की गई है। तो साधु सिंह धर्मसोत जिहड़े साबका मंत्री है उन्होंने करीबियों से भी यह रेड चलती है तो उन्होंने भी पुछ पड़ताल जी लगातार की जा रही है। देखने मिले कि पहला भी विजिलेंस वालों साधु सिंह धर्मसोत से रेड की गई उस तो बाद साधु सिंह धर्मसोत जेल भी जाके आए हैं और हुण ईडी की जी इस इनवॉल्वमेंट है एक लगता है भी हुण मामला उलझदा जा रहा और साधु सिंह धर्मसोत से शिकंजा कसते जा रहे हैं। अगरदीप जो असं तस्वीर भी देख पा रहे हैं जी कि धर्मसोत की मलोह स्थित जी रिहायश है कि इस रिहायश से अजे भी रेड चल रही है कि ईडी के अधिकारी इतने अजे मौजूद ने जां इस तो अलावा होर कि टिकाणे ते रेड की गई है। एक ठेकेदार जिहड़ा कि धर्मसोत का करीबी दस्या जा रहा है भी जानकारी कि उन्होंने घर से भी रेड की गई है। जी बिल्कुल इस वक्त असं मौजूद हैं अमलोह स्थित जिहड़े साधु सिंह धर्मसोत के रिहायश है उत्थे ही रेड चल रही है और रेड अजे तक जारी है खत्म नहीं हुई। इस तो बाद इलावा खन्ना भी है खन्ना साधु सिंह धर्मसोत के करीबी सी उन्होंने रेड की गई है। साधु सिंह धर्मसोत यह भी दस्या जा रहा है जिहड़े कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्टर से भी रेड हुई है। रेड काफ़ी थावां ते ईडी वालों की गई है क्योंकि और एक वारी रेड की गई है अलग अलग जिस तरह की एक कह लिए भी एक वार ही रेड हुई है और लगातार ये रेड जारी है। हजे तक जांच जी है ईडी की चलती पई है टीमें इतने अंदर मौजूद ने और यह भी दस्या जा रहा है शायद भी साधु सिंह धर्मसोत इतने नहीं है पर ईडी की टीम वालों लगातार रेड जारी है।